बात और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये सब एक कहानी है, ये सब एक हमने रीच बढ़ाने के लिए ये नाटक किया है। यो सो गाइस, मेरा नाम है कपरेश और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्रेजी एक्स वाई जी, जिन्हें आप अमित भाई के नाम से भी जानते हो। करीब करीब आज से 9 दिन पहले अमित भाई के चैनल पर एक वीडियो अपलोड हुई विद द टाइटल कोबरा स्नेक बाइट्स अमित भाई प्लीज। पर इस बात के ऊपर बहुत से यूट्यूबर्स चेक किए, जैसे सुपर खालसा होगा, लक्ष्य चौधरी, की भाई ये सब फेक, सिर्फ व्यूज और चैनल के रीच के लिए सब कुछ किया जाए। तो इसी को लेकर अमित भाई ने अपने लेटेस्ट वीडियो में कुछ रिप्लाई दिया। मैं आपको छोटी सी क्लिप लेकर दिखा देता हूँ। अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो भाई मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। और हाँ, एक बात और, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये सब एक कहानी है, ये सब एक हमने रीच बढ़ाने के लिए ये नाटक किया है। तो भाई इस बात पे भी कहना चाहता हूँ कि यार इस मतलब रीच बढ़ाने के लिए कोई ये करता है क्या गाइस? ये स्थिति, ये परिस्थिति जिसके सामने आती है उसको भी पता होता है कि क्या हालत होती है, क्या माइंडसेट हो जाता है। इतने दिन का कभी गैप नहीं रहा वीडियोज में, लेकिन अब भाई देना पड़ गया, क्या करें। और दूसरा रीच वाली बात गाइस, आप लोगों के प्यार की मदद से, आप लोगों के साथ की मदद से हमें ये बताओ कि हमारी रीच कम कब थी। आपका इतना प्यार, इतना साथ है हमको, महीने के 170 मिलियन, 180 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन लोग देखते हैं महीने के, जो कि मुझे नहीं लगता इतना प्यार किसी को भी मिलता होगा, हमको मिलता है गाइस, हम ऐसा क्यों करेंगे। चलो छोड़ो इन सब बातों गाइस। और गाइस, अमित भाई के वीडियो के थोड़ी देर बाद सुपर खालसा की एक और वीडियो आई, वीडियो टाइटल सुपर खालसा रिप्लाई टू क्रेजी एक्स वाई जेड स्नेक। और इस वीडियो में सुपर खालसा ने कुछ ऐसे बातें बताई भाई, जिसको सुन के आपका भी अमित भाई के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूं। मेरे भी घर बहुत लोग आते हैं, तो हमें सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि बाहर अब लोग खड़े रहते हैं, तो सिक्योरिटी के लिए कैमरा भी लगवाना पड़ता है कि कहीं बार कोई लड़ना पड़े या कोई ऐसी बात ना हो जाए। जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग आते हैं ना, सीसीटीवी कैमरे लगते हैं। इन्होंने अपने घर में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगवाया होगा शायद, इसी वजह से कोई सीसीटीवी फुटेज भी नहीं आया। अमित भाई को सांप ने काटा, अभी अमित भाई साफ सफाई कर रहे थे। आप बोलोगे कि घर के अंदर थोड़ी ना कैमरे होते, मैंने कब बोला अंदर है? अमित भाई ने कब बोला कि घर के अंदर सफाई कर रहे थे? सफाई तो घर के बाहर की जाती है, घर के अंदर तो घर साफ होता है। घर के बाहर सफाई कर रहे थे, सीसीटीवी कैमरा लगा होना चाहिए था, लेकिन वहां पे कोई पिक्चर नहीं आई, सीसीटीवी फुटेज नहीं आई कोई भी भाई की, और कोई भी हॉस्पिटल की वीडियो नहीं आई। इनके दोस्तों ने जब सांप ने काटा उसका क्लिकबेट का थंबनेल निकाल लिया, उनके गाड़ी में बैठ के रो दिया, अमित भाई बीमार है हॉस्पिटल में, लेकिन अमित भाई की हॉस्पिटल के अंदर किसी ने वीडियो नहीं बनाई। बड़ी भाई हैरानगी की बात है, हर जगह वीडियो शूट की इन लोगों ने, लेकिन हॉस्पिटल की वीडियो एक भी नहीं दिखाई, जिससे साफ पता चलता है कि ये लोग हॉस्पिटल गए ही नहीं। इनका अच्छा दोस्त जो इंडियन हैकर है, वो भी ये चीजें करता है भाई, इंडियन हैकर की भी मैं बात करता हूँ, लेकिन इन्होंने, मैं कहता हूँ चलो आपने हॉस्पिटल की वीडियो नहीं दिखाई, कम से कम कोई रिपोर्ट तो दिखा देते, डॉक्टर का कोई दिखा तो देते कि सांप ने काटा, की प्रॉपर रिपोर्ट मिलती है। भाई आप अच्छे किसी हॉस्पिटल में गए होंगे, आपने बोला मैं किसी झाड़ फूक वाले के पास नहीं गया, मैं बढ़िया हॉस्पिटल गया था। और फाइनली गाइस, आपको क्या लगता है, क्रेजी एक्स वाई जेड को सचमुच सांप ने काटा था या फिर उन्होंने अपने वीडियो के व्यूज के लिए किया था? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।